मैं राजकुमार और मेरा बार्ड बुक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो बार्ड के डीवॉर्मिंग के ऊपर है। तो हम कैसे समझे कि हमारे बार्ड को जो है वार्म हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें और वार्म जो है क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला तो वार्म जो है क्या होता है, वो एक टाइप का जो है परजीवी होता है जो हमारे बाट के शरीर में के अंदर रहता है और उससे ही खाना लेकर वो खुद खाता है। इसलिए हमारे बाट को जो है काफ़ी टाइप का जो मसला आता है। और कैसे समझे कि हमारे बाट को जो है वार्म हो चुका है, तो हमारे बाट जो है चुपचाप बैठा रहेगा और वो जो है खाना बहुत ही कम खाएगा और दिन ब दिन सूखता जाएगा, उसका सीना निकल जाएगा, वो जो है बहुत ज़्यादा पानी पिएगा और उसका पॉटी जो है नरम होगा। इससे हम पता चलेगा कि हमारे बाट को जो है वार्म हो चुका है। और थ्री टाइप का वार्म जो है हमारे बाट को होता है, वो है थ्रेट वार्म, टेप वार्म एंड राउंड वार्म। यह थ्री टाइप का वार्म हमारे बाट को होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि हमारे बाट को हम जो वेजिटेबल साग सब्जी वगैरह खिलाते हैं वो ठीक से नहीं धोने से उसका ऊपर जो है वार्म का लावा रहता है, वो डायरेक्टली हमारे बाट के शरीर में चला जाता है और बाट को जो है वार्म हो जाता है। और जो है फ्लाई वगैरह हमारे बाट के आसपास घूमता है उससे भी वार्म हो सकता है। और नेचर में स्पैरो, क्रो वगैरह बाट हमारे केस के आसपास आता है तो उससे भी हमारे बाट को जो है वार्म हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, वार्म का जो दवा है वो लीवर में इफ़ेक्ट करता है, इसलिए हमको डीवॉर्मिंग कराने से पहले कोई भी लीवर का दवा जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ लीफ 52, उसको हमारे बाट को दो दिन देना है। लीफ 52 का दवा जो है 1 लीटर पानी में 10 ml करके हमें 2 दिन प्रोवाइड करना है, ठीक है, अपने बाट को प्रोवाइड करना है। उसके बाद में 1 दिन का जो है रेस्ट देना है और उसके बाद नेक्स्ट दिन हमें देना है डीवॉर्मिंग का दवाई। जैसे कि मैं जो दवाई यूज़ करता हूँ वो है पाइपरजाइन, और आप चाहे तो एल्बुमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइपरजाइन का जो दवा है वो हम 10 ml करके 1 लीटर पानी में यूज़ करते हैं। अगर आप 100 ml पानी में यूज़ करेंगे तो आप 10 ड्रॉप दे सकते हैं अपने बाट को, ठीक है। तो डीवॉर्मिंग का दवाई देने का अगले दिन रात में आपको जो है पानी निकाल के रखना है और नेक्स्ट दिन जाके आपको जो दोपहर को 11 से 12 बजे अपने बाट को जो है वो वार्म का दवाई प्रोवाइड करना है। तो आपका बाट जो है प्यासा रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से पानी पिएगा और उस दवाई का काम जो है बहुत ही अच्छा होगा। और उस दिन हम कोई भी सॉफ्ट फूड या वेजिटेबल अपने बाट को प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सॉफ्ट फूड या वेजिटेबल प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारे बाट पानी ठीक ठाक से नहीं खाएगा और जो है डीवॉर्मिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो उस दिन हम कोई भी सॉफ्ट फूड नहीं देंगे, सिर्फ मेडिसिन वाला पानी एंड ड्राई फूड जो दाना हम बाट को प्रोवाइड करते हैं वही हम बाट को देंगे। और उसके नेक्स्ट दिन हम रेस्ट देंगे और उसके बाद में फिर से 2 दिन लिप्सिटू का दवाई 1 लीटर पानी में 10 ml करके हम 2 दिन यूज़ करेंगे। उसके बाद भी हम 2 दिन रेस्ट देंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे कोई भी फैट सोलबल विटामिन, जिसके जो मैं यूज़ करता हूँ वो है रिकोबिट और आप भाईमेडल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दो मेडिसिन का कोई भी एक आप लेकर 1 लीटर पानी में 10 से 11 ml आप मिलाकर अपनी बाट को प्रोवाइड करें कॉन्टीन्यूसली 7 to 10 days, 7 से 10 दिन हम आप अपने बाट को प्रोवाइड करें तो आपका बाट जो है फिर से हेल्दी और स्वस्थ हो जाएगा। और उसके बाद आपको कॉन्टीन्यूसली 1 month अपना बाट को अच्छा खाना प्रोवाइड करना है और उसको रेस्ट में रखना है, ब्रीडिंग में नहीं देना है। ब्रीडिंग में देने के 1 month पहले आपको जो है यह डीवॉर्मिंग का कोर्स करा लेना चाहिए, क्योंकि डीवॉर्मिंग करा के ही अगर आप अपनी बाट को ब्रीडिंग पे देंगे तो आपका हो सकता है कि आपका जो बाट अंडा देता हो वो ज़्यादातर अनफर्टाइल आए। इसीलिए आप जब भी डीवॉर्मिंग कराए तो 1 month का रेस्ट अपनी बाट को ज़रूर दे और अच्छी खाना प्रोवाइड करें, उसके बाद ही अपनी बाट को नेक्स्ट बॉक्स या मटकी प्रोवाइड करें और अपनी बाट को ब्रीडिंग में दे, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है इसी के ऊपर था। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने सारे फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना। तो आज का वीडियो
यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।